क्योंकि पिछले 35 वर्षों से कोई त्यागी लोकसभा में नहीं गया, और ये मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भाई देवव्रत त्यागी को ये टिकट दिया है, त्यागियों का सम्मान किया है, एंड वी आर गोइंग टू विन दिस सीट। भाजपा देखती रह जाएगी। लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारे सवाल है, मैं उन पर आऊंगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार से भी एक कमेंट लेना जरूरी है। इस पूरी स्थिति का आकलन करें तो आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली, उसके बाद जो चुनौती सपा कांग्रेस गठबंधन के सामने खड़ी हुई है वो अपनी जगह है। दूसरी तरफ आप देखिए पल्लवी पटेल जो है वो AIMIM के साथ चली गई थी, 3 सीटें मांग रही थी, सपा ने उनको नहीं दी, नाराज होकर उनके साथ चली गई और उन्होंने एक नया पिछड़ा दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन सामने रख दिया। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक घिर गया अखिलेश। देखिए इस बार का जो इलेक्शन है वो 2014 और 19 के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। 2014 का इलेक्शन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद का इलेक्शन था और पोलराइजेशन हुआ और पूरे देश में था। 19 का इलेक्शन पुलवामा के बाद का इलेक्शन था, और इस बार का जो इलेक्शन है वो इस मायने में डिफरेंट है कि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत सतह पर दिखाई देती है। आज मोदी जी की रैली में भी आपने देखा कि नायाब सिंह सैनी को उन्होंने मंच पर बिठाया था, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जी बैठी हुई थी, तीसरी तरफ जयंत चौधरी बैठे हुए थे, और उधर निषादों को साधने के लिए डॉक्टर संजय निषाद को बिठाया गया था। तो 2014 में भी मोदी जी ने ये रैली यहाँ पे की थी, 19 में भी की थी, तब इस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। एक एक कास्ट को मैनेज करने की कोशिश बीजेपी भी अपने लेवल पे कर रही है, ये सोशल इंजीनियरिंग कभी BSP करती थी, लेकिन बीजेपी ने इसको बहुत ही फाइन तरीके से, मैं कहूँगा इसको बहुत ही शानदार ढंग से मैनेज करने की कोशिश की है इस इलेक्शन में, और यही रिस्क है सबसे बड़ा बीजेपी के लिए। एक बड़ी बड़ी परेशानी इस बार ये है राजनीतिक दलों के लिए, जो सारे राजनीतिक दलों के लिए है, वोटर बहुत साइलेंट है। मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहा हूँ, फील्ड में हूँ, लेकिन वोटर एक्टिवेट दिखाई नहीं देता। चलिए पूछ लेते हैं यहाँ पर आम जनता, आपने से कोई सवाल पूछना चाहता है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, और कोई कुछ कहना चाहता है तो अपना हाथ उठाइए, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। चलिए यहाँ रुक कर दो सर, क्या नाम है आपका और क्या पूछना चाहेंगे? कहा भ्रष्टाचार पर मैं पूछना चाहता हूँ, जिस केजरीवाल को बचाने के लिए आज सोनिया जी रामलीला ग्राउंड से बोल रही थी, उसी ग्राउंड से केजरीवाल उनको गिरफ्तारी की मांग कर रहे,